वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा, खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। और आज की रेसिपी है ये भुना टिंडा मसाला। ये देखिए, यहाँ पर भरवा टिंडे हैं, वो भी भुने मसाले से बने हुए और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खाना मनपसंद को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये भरवा टिंडे की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर टिंडे लेकर इनको इस तरह से पील कर लिया था और यहाँ पर मीडियम साइज के टिंडे लिए हैं और इनके बीच में बीज नहीं होने चाहिए। इनको हम इस तरह से बीच में से काट लेंगे, इस तरह का कट लगा लेंगे क्योंकि हमें इसके बीच में मसाला फिल करना है। ये देखिए, पूरा नहीं कट करना है, नीचे तक बस इस तरह से प्लस का निशान लगाना है कि हम इसको खोल के इसमें मसाला भर सके। यहाँ पर मैंने 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज के, 4 टमाटर हैं मीडियम साइज के और साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन है, लगभग 10 से 12 कलियाँ और 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का और 3 यहाँ पर हरी मिर्च ली हैं। तो सबसे पहले मैं इनको चॉप कर लूँगी। प्याज को भी हम ग्रेट कर लेंगे, आप कद्दूकस कर सकते हैं, बारीक चॉप कर सकते हैं। और टमाटर का मैं पेस्ट बना लूँगी मिक्सी में डाल करके। तो सबसे पहले लहसुन ले लेंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक के भी इस तरह से पीसेस करके डाल देंगे और इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से चॉप हो जाए। और इसको चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल फाइन चॉप हो चुका है ये, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो मैं इसी तरह प्याज चॉप कर लूंगी और टमाटर का भी पेस्ट बना लूंगी। तो यहाँ पर है प्याज और टमाटर का पेस्ट, प्याज को भी चॉप कर लिया है मैंने यहाँ पर और साथ ही यहाँ पर टमाटर को प्यूरी कर लिया है। और मसालों में मैंने बहुत ही सिंपल से मसाले लिए हैं, नमक 1 1/4 टीस्पून, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च क्योंकि हमने हरी मिर्च यहाँ पर भी यूज की है, तो हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच और जो लाल मिर्च है यहाँ पर मैंने देगी मिर्च ली है, आप चाहें तो तीखी वाली ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद हो तो। साथ ही 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला। तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए मसाला भून लेंगे। तो ये टिंडे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें हम लगभग 3 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल डाल देंगे। मैं यहाँ पर सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप रिफाइंड ऑयल या देसी घी यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, सरसों के तेल का कच्चा फ्लेवर नहीं आना चाहिए, तो इसको अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर तेल अच्छे से पक चुका है, इससे धुआं निकलने लगा है और इसका रंग भी बदल गया है, तो हम गैस बंद कर देंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि अगर हम इसमें लहसुन अदरक या प्याज डालेंगे तो वो जल जाएंगे। तो तेल ठंडा हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो जैसे ही हल्का भुन जाएगा हम इसमें डाल देंगे प्याज, प्याज को भी हल्का सा भून लेंगे। प्याज ऐड करने के 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और साथ ही हम ऐड कर देंगे किचन किंग। मैं यहाँ पर कुछ भी बाद में ऐड नहीं करूँगी, मसाले सिर्फ इसी समय भूनते हुए डालूंगी। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 1/4 टीस्पून नमक और इनको भून लेंगे प्याज के साथ। तो ये देखिए, मसाला लगभग भून गया है, इसमें से आधे से थोड़ा सा ज्यादा मसाला मैं टिंडों में भरने के लिए निकाल लूंगी। आधी कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा मसाला मैंने निकाल लिया है और बाकी का मसाला यहाँ कुकर में है। और अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने टमाटर का प्यूरी रेडी किया है, ये डाल देंगे। और ये टमाटर का प्यूरी डालने के बाद हम इसे फिर से भूनेंगे जब तक ये अच्छे से ऑयल ना छोड़ दे। तो इसको गैस को लो टू मीडियम कर देंगे और इसको भूनने देंगे। और ये जो मसाला हमने अलग से निकाला है इसको हम टिंडों में स्टफ करेंगे। तो इस मसाले को मैं इस प्लेट में निकाल करके थोड़ा ठंडा कर लूँगी क्योंकि गर्म मसाला जो है वो भरना मुश्किल हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे इस तरह से फैला करके। तो मसाला ठंडा हो चुका है और अब हम इन्हें टिंडों में भर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से कट लगाए थे, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो इनको हम इस तरह से हल्का सा अलग करते हुए इसको हम इस तरह से भर लेंगे।
आप चाहें तो काट करके भी बना सकते हैं या बीच में से खोखला करके भी, बट उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ। ये देखिए इस तरह, और इनको मैं यहीं पर साइड पर रखती जाऊँगी। तो ये जो कट है इसको हल्का सा खोलेंगे, बिल्कुल अलग नहीं करना हमें, बस इस तरह से खोलना है हल्का सा, और इसके बीच में हम ये मसाला डाल देंगे। तो मैं सभी टिंडे इस तरह से स्टफ़ कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर सभी टिंडों को स्टफ़ कर लिया है, अब मसाला चेक कर लेंगे। मैंने गैस का फ्लेम लो रखा था, इसलिए मसाला अभी तक पूरी तरह भुना नहीं है, तो थोड़ा सा इसको भून लेंगे। आप मुझे बताएं कि आप इसके अलावा और कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं समर से रिलेटेड, तो मैं वो पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। मसाला अच्छे से भून चुका है, यहाँ पर हम ऑयल देख सकते हैं, इसका मतलब ही अच्छे से भून करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें हाफ कप पानी डाल देंगे। ये वही मसाले वाली कटोरी है तो मैं उसी से पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी फ्लेवर वेस्ट नहीं करना है यहाँ पर। तो इसको एक बार इसको हम मिक्स कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर हाफ कप पानी ऐड किया था, तो मैं यहाँ पर 1/4 कप पानी और डाल रही हूँ, तो कुल 3/4 कप के करीब पानी ऐड किया है मैंने। इसको एक बॉयल आने देंगे। हमें यहाँ पर ग्रेवी नहीं चाहिए, एक्चुअली कुक होने के बाद ये मसाला ही रह जाएगा, तो हमने उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड किया है। तो इसमें जब इस तरह से बॉयल आ जाए और ऊपर ये ऑयल दिखने लगे, तो हम इसमें ये टिंडे जो हमने स्टफ किए हैं इनको प्लेस कर देंगे। तो ये देखिए प्लेट में ये मसाला बच गया है, इसको भी डाल देंगे इसी में। तो टिंडे इस तरह प्लेस करने के बाद हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। हल्का सा इसको इस तरह से हिला देंगे ताकि टिंडे इसमें अच्छे से सेट हो जाए। मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है, अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। एक सीटी इसे हम मीडियम फ्लेम पर लगा लेंगे। तो प्रेशर कुकर में सीटी आ चुकी है, अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से पकने दूंगी, उसके बाद गैस बंद कर देंगे और इस कुकर को ठंडा होने देंगे। तो प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है, इसमें से लगभग सारी स्टीम निकल चुकी है। 5 मिनट हमने इसे कुक कर लिया है, तो हम इसे खोल करके चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। ये जो ऊपर इसमें रोगन निकल करके आया है, इसको रोगन कहा जाता है। ये जो ऑयल आया है इसका मतलब ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक हुए हैं। तो हम चक्कू की मदद से चेक कर लेंगे इसको इस तरह से। ये देखिए पूरी तरह से कुक हो गए हैं, कोई भी टिंडा जो है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो सभी टिंडे अच्छे से कुक हो चुके हैं, हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इस सब्जी को सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए भुना मसाला भरवा टिंडे रेडी हैं। ये देखिए किस तरह की सब्जी बनी है, आप इसे इस तरह से मसाले के साथ सर्व कर सकते हैं और इसके साथ बना ले थोड़े से जीरा राइस, बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खाना मनपसंद को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय द रेसिपीज़। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय।